है, बोलता हूं। तो क्या है देखो, तो यहां पे ग्राफ ड्रॉ किया है। चलो देखो यहां पे क्या किया है, ग्राफ ड्रॉ किया। तो इस एक्सिस पे है फोर्स, इस एक्सिस पे है डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ का मतलब क्या है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 8 न्यूटन, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 4 मीटर फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 60। तो जैसा जैसा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और इसको मैं इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया तो ये डिस्प्लेस हो रहा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया तो डिस्प्लेस हो रहा है। तो ये जैसा जैसा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वैसा वैसा फोर्स का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो ये वेरिएबल फोर्स का एग्जाम्पल है। तो ये क्या है, वेरिएबल फोर्स का एग्जाम्पल है। तो वर्क डन मतलब क्या रहता है, इंटीग्रेशन एफ बार डॉट डीएस बार। एफ बार डॉट डीएस बार का इंटीग्रेशन मतलब वर्क डन रहता है, और यही रहता है क्या, एरिया अंडर एफ एस कर्व। ठीक है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व के अंडर का एरिया एंड इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट डीएस बार, ये दोनों क्या रहता है, सेम। समझो अगर वर्क डन हमको निकालना है, देखो अभी केयरफुली सुनो, अगर वर्क डन निकालना है 2 मीटर एंड 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट के बीच में, ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, थोड़े टाइम के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर हो जाएगा। तो 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट से 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट ऐसा आएगा 2 मीटर से डिस्प्लेसमेंट तक, 4 मीटर की डिस्प्लेसमेंट तक जाने तक, ऑब्जेक्ट 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट से 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट तक जाने तक उसके ऊपर कितना वर्क होता है, 2 मीटर और 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना वर्क होता है, मतलब उनके बीच का एरिया, ये एरिया मतलब क्या है, वर्क डन फ्रॉम एस इज इक्वल टू टू, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन फ्रॉम एस इज इक्वल टू 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 एस इज इक्वल टू फोर, डिस्प्लेसमेंट 2 से 4 जाते वक्त यहाँ पे वर्क कितना हुआ, तो वो ये एरिया बता रहा है। एरिया मतलब भी क्या रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार डॉट डीएस बार। कैसा करने का इंटीग्रेशन मैं बताता हूँ धीरे धीरे, अभी जिन लोगों को इंटीग्रेशन पता है तो याद आ रहा होगा, जिन लोगों को पता नहीं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन एक बार देख लो। अगर फिजिक्स अच्छा करना है, एकदम सुपर करना है, तो ओके ओके करना है, 120 130 मार्क लेना है, 120 130 भी छोटा मार्क नहीं है, 120 130 मार्क्स चाहिए फिजिक्स में, तो ये इतना इंटीग्रेशन वगैरह ज्यादा नहीं लगता, लेकिन देखा तो अच्छा है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारे हिसाब से, करो जिन्होंने लर्न किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा है सब। ठीक है, चलो अब ड्रॉ करो ग्राफ, अब ग्राफ ड्रॉ करो, जैसा है वैसा ड्रॉ करो, नीचे भी वैसा ही लिखो जैसा मैंने लिखा है। पेपर चल रहा है रिपीटर का, इसलिए देख रहा हूँ, तुम लोगों को लगेगा किसी का मैसेज आ गया कि सर देख रहा है इतना। एग्जाम सिलेबस क्या है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन रखेंगे पूरा एग्जाम सिलेबस क्या है, फ्रिक्शन रखेंगे। हाँ हो गया रे, पता है थोड़ा काम है, रिपीटर का पेपर चल रहा है, थोड़ा लेट हो गया उसको।
ठीक है हो गया ये। इसके नीचे लिखो इसको शेडिंग किया गया एरिया को, इसको शेडेड एरिया किया शेडिंग किया गया, तो लिखो शेडेड एरिया इन द ग्राफ शोज वर्क डन, शेडेड एरिया ठीक है ठीक है बाद में बोलो वैष्णवी डिसाइड कर लो, शेडेड एरिया shows, shaded area shows work done, shaded area shows work done from s is equal to 2 to s is equal to 4, shaded area shows work done from s is equal to 2 to s is equal to 4, shaded area shows work done from s is equal to 2 to s is equal to 4. ठीक है shaded area shows work done from s is equal to 2 to s is equal to 4. ठीक है और इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन राइट इट एज, नीचे लिखो और इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन राइट इट एज, और इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन वी कैन राइट इट एज वर्क डन कहां से कहां तक, डिस्प्लेसमेंट 2 से डिस्प्लेसमेंट 4 तक, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर था तब से डिस्प्लेसमेंट जब तक 4 मीटर होता है उनके बीच का मुझे वर्क डन चाहिए, उनके बीच का वर्क डन मतलब उनके बीच का एरिया, उनके बीच का एरिया मतलब ऐसा रहता है इंटीग्रेशन में, इन दोनों के बीच का एरिया मतलब इंटीग्रेशन में ऐसा रहता है, ये मतलब क्या है वर्क डन फ्रॉम 2 टू 4, इसका ही मतलब क्या है एरिया बिटवीन 2 टू 4, ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन इट इज शोन बाय और ये लिखो इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन इट इज शोन बाय और फिर ये लिखो, ठीक है चल हो गया ओके। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट लिखो वर्क डन इन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, चलो लिखो वर्क डन, थोड़ा अच्छा कंसेप्ट है, चलो लिखो वर्क डन इन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव work done in conservative and non-conservative field, चलो लिखो work done in conservative and non-conservative field,
ठीक है, वर्क डन इन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड। तो देखो कैसा, एकदम इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, देखो कैसा। तो वर्क डन इन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, तो कंजर्वेटिव फील्ड क्या क्या है? कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क करना मतलब किधर किधर वर्क करना, तो ग्रेविटी के अंदर वर्क किया, समझो ये पेन है, पेन को उठाना है, यह है कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क, ये कंजर्वेटिव वर्क है। कंजर्वेटिव फील्ड में जो वर्क हुआ ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करने का, ठीक है। समझो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इधर एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये लोग एक दूसरे को ये दोनों रिपेल कर रहे हैं, तो इसको मैंने इसके पास पुश किया, ये इसको ये दोनों रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको मैंने इसके तरफ पुश किया, तो अभी भी जो वर्क किया है वो भी वर्क किस में है? कंजर्वेटिव फील्ड में है। तो कंजर्वेटिव फील्ड में क्या क्या आता है? एक तो आता है ग्रेविटेशनल फील्ड, दूसरा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, देन तीसरा आता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये तीनों कंजर्वेटिव फील्ड्स में आता है। नॉन कंजर्वेटिव मतलब क्या? नॉन कंजर्वेटिव मतलब फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, ठीक है, फ्रिक्शन, विस्कस, ड्रैग, ये दोनों क्या रहता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, ये क्या है? कंजर्वेटिव फोर्सेस है। तो देखो क्या है, कैसा डिफरेंस है, देखो अभी। तो यहां पे वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, जबकि यहां पे वर्क डन इज क्या है? पाथ डिपेंडेंट है। तो अभी एग्जांपल देख के बता दो, समझो ये मेरे हाथ में पेन है, पेन को ऊपर उठाना है, पेन का हाइट इंक्रीज करना है, इधर पेन है और पेन का हाइट इंक्रीज करके इधर लेके आना है, पेन पेन इधर है, पेन को उठाना है, तो पेन को ऐसे उठाया या फिर ऐसे उठाया या फिर ऐसे उठाया, किसी भी डायरेक्शन से यहां से पेन यहां लेके जाओ, किसी भी पाथ का यूज करो, सीधा पेन उठाएगा, सीधा पेन उठाया, या फिर इधर से उठाओ, मतलब ऐसा इधर से ऐसा उठाओ, या फिर इधर से उठाओ, या फिर इधर से पेन उठाओ, इन ऑल थ्री केसेस वर्क डन क्या है? सेम है। इन ऑल थ्री केसेस वर्क डन क्या है? सेम है। वर्क ओनली ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है, तो पेन इधर लेके जाने के लिए वर्क नहीं होता, क्योंकि फ्रिक्शन हम लोग एज्यूम नहीं कर रहे, ओनली क्या एज्यूम कर रहे हैं? ग्रेविटी ओनली है, फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं। तो पेन को इधर ले लेने के लिए कुछ वर्क नहीं होता, ऊपर उठाने के लिए वर्क होता है, वापस इधर लेने के लिए भी वर्क नहीं होता, तो जितना इतना मोशन है इसके लिए ही वर्क करना पड़ता है, बाकी हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए वर्क नहीं करना पड़ता। समझे, ऐसा भी किया, इधर का हॉरिजॉन्टल मोशन, इधर का हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्क नहीं, बस उठाने के लिए वर्क करना पड़ता है। तो वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट, किसी भी रास्ते से शिफ्ट करो उतना ही वर्क होगा, ठीक है। चार्ज भी है, समझो यहाँ पे एक चार्ज है 5 कूलम, यहाँ पे एक चार्ज है 3 कूलम, अब ये 3 कूलम इधर लेके जाना, ये 3 कूलम को इधर शिफ्ट करना, तो ऐसा शिफ्ट करो, 3 कूलम को इधर शिफ्ट करना, तो ऐसा शिफ्ट करो, ऐसा ऐसा घुमा घुमा के इधर लाओ, या फिर ऐसा शिफ्ट करो, कैसा भी शिफ्ट करो, 3 कूलम को इधर शिफ्ट करने में तीनों केसेस में सेम वर्क लगता है। 3 कूलम को इधर शिफ्ट करने में तीनों केसेस में सेम वर्क लगता है। तो पाथ वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट, किस रास्ते से लाया कुछ फर्क नहीं पड़ता, चार्ज को किस रास्ते से लाया कुछ फर्क नहीं पड़ता, वर्क क्या है? पाथ इंडिपेंडेंट। यहां पर भी कितना हाइट उठाना है यही इंपॉर्टेंट है, इधर से लेके जाना है क्या इधर से लेके जाना है कुछ फर्क नहीं पड़ता, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। मैग्नेटिज्म में भी वैसा ही है, मैग्नेटिज्म में समझो यहां पे एक नॉर्थ पोल है, ठीक है, और यहां पे समझो साउथ पोल है, तो इसको क्या इधर शिफ्ट करना है, यहां पे इस मैग्नेट, इसका साउथ उधर, इसका नॉर्थ उधर रहेगा, इस नॉर्थ का साउथ इधर रहेगा, तो इस मैग्नेट को इधर शिफ्ट करना है,
तो ऐसा डायरेक्टली शिफ्ट करो, इसको नीचे लेके वापस इधर शिफ्ट करो, इसको ऊपर लेके इधर शिफ्ट करो, तो ऐसे शिफ्ट करो, ऐसे शिफ्ट करो, या फिर ऐसे शिफ्ट करो। तीनों केसेस में वर्क डन क्या है, सेम है। तीनों केसेस में वर्क डन क्या है, सेम है। तो वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट इन कंजर्वेटिव फील्ड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स एंड इधर पाथ डिपेंडेंट है। इधर का मैं बोलता हूं, पहले इधर का लिखो, लिखो क्या ऐसा करेंगे अभी इसका, ऐसा मतलब कैसा लिख के देने का उसका बारे में सोच रहा हूँ। एक मिनट अपना कैसा लिखने का, चलो क्या करो कंजर्वेटिव ऐसा लिखो, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव दोनों लिखा है क्या हेडिंग, तो उसके नीचे लिखो, उसके नीचे लिखो लिखो क्या, वर्क डन इन कंजर्वेटिव फील्ड, हेडिंग लिखा है उसके नीचे लिखो वर्क डन इन कंजर्वेटिव फील्ड। पहले कंजर्वेटिव का सब पॉइंट्स लिखेंगे, फिर नॉन कंजर्वेटिव का लिखेंगे। वर्क डन इन कंजर्वेटिव फील्ड, चलो लिखो वर्क डन इन कंजर्वेटिव फील्ड, इज फर्स्ट सेंटेंस, वर्क डन इन कंजर्वेटिव फील्ड इज पाथ इंडिपेंडेंट, वर्क डन इन कंजर्वेटिव फील्ड इज पाथ इंडिपेंडेंट, वर्क डन इन कंजर्वेटिव फील्ड इज पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलो ये डायग्राम निकालो, ये डायग्राम निकालो, इसको लिखो पाथ वन, इसको पाथ टू और इसको पाथ थ्री। वर्क डन इन कंजर्वेटिव फील्ड इज पाथ, वर्क डन इन कंजर्वेटिव फील्ड इज इंडिपेंडेंट। ये डायग्राम निकालो, देखो क्या, इसको बोलो ए, इसको बोलो बी, लिखो एन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड फ्रॉम पोजिशन ए टू पोजिशन बी, चलो लिखो एन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड फ्रॉम पोजिशन ए टू पोजिशन बी, an object is lifted from position A to position B through three different paths, an object is lifted from position A to position B through three different paths, an object is lifted from position A to B through three different paths, work done is same for all the paths, work done is same for all the paths, work done is same for all the paths। ठीक है, उसके बाद ये डायग्राम निकालो, उसके बाद ये डायग्राम निकालो, पाथ वन, पाथ टू एंड पाथ थ्री। Path 1, 2 and 3. ठीक है, चलो। 3 कूलम चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम सी टू डी, इसको सी लिखो, इसको डी लिखो, ये डायग्राम निकालो, ये डायग्राम निकालो, ये डायग्राम निकालो, उसके नीचे सेंटेंस लिखो, डायग्राम निकालो पहले। चलो हो गया, तो 3 कूलम चार्ज
is shifted from 3 coulomb charge is shifted from 3 coulomb charge is shifted from point C to point D. 3 coulomb charge is shifted from C to D. Then work done is same for all three parts. Then work done is same for all three parts. Then work done is same for all three parts. तीनों रास्ते के लिए work done क्या है? Same. Work done is same for all three parts. ठीक है, 3 कूलम इधर से शिफ्ट किया है, ऊपर से शिफ्ट किया है, फिर नीचे से शिफ्ट किया, तो उतना ही वर्क होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. रास्ते से कौन से भी जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता. वर्क डन क्या है? सेम है. ठीक है, सिंपल चैप्टर है. चैप्टर सिंपल है. ये चैप्टर फ्रिक्शन जैसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. फ्रिक्शन डिफिकल्ट था, कुछ भी नहीं, एकदम मस्त चैप्टर है. सिंपल सिंपल है. न्यूटन्स लॉज भी डिफिकल्ट था, ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल चैप्टर है. ठीक है, 1D में मोशन अंडर ग्रेविटी रहता है, उससे भी सिंपल है, एकदम अच्छा चैप्टर है. सो सिंपल चैप्टर और इंपॉर्टेंट चैप्टर है. चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस पे 2 न्यूमेरिकल्स आता है. नीट में इतना न्यूमेरिकल्स आता है, नीट या फिर सीईटी में. जेई में थोड़ा कम आता है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम रहता है, 30 क्वेश्चंस रहता है. इसलिए इस पे कितना न्यूमेरिकल्स आता है? 2, कभी कभी 3 भी आ सकता है, कभी कभी 1 भी आ सकता है. 2 न्यूमेरिकल्स इस पे आ सकता है एवरेज. इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो ठीक है. चलो, और सिंपल है, सिंपल है. न्यूमेरिकल्स जब स्टार्ट करेंगे तब तुम लोगों को अंडरस्टैंड हो जाएगा. कुछ डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल मस्त चैप्टर है. ठीक है, तो फर्स्ट क्या हुआ? कंजर्वेटिव फील्ड में, कंजर्वेटिव फोर्स में क्या हो गया? कंजर्वेटिव फील्ड में एक जगह से दूसरी, ग्रेविटी में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो कौन से भी रास्ते से लेके जाओ, वर्क डन से. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक चार्ज को शिफ्ट करना है, ऊपर से शिफ्ट करो, नीचे से शिफ्ट करो, ऐसा भी शिफ्ट करो, वर्क डन इज सेम. मैग्नेटिज्म भी वैसा ही है, मैग्नेटिज्म का लिखेंगे नहीं, एक दो एग्जांपल्स लिखा है, बस हो गया. अब नॉन कंजर्वेटिव का मैं बोलता हूं, लेकिन उसका बाद में लिखेंगे, पहले कंजर्वेटिव का ऑल पॉइंट्स लिखेंगे. पहले कंजर्वेटिव को ऑल पॉइंट्स लिखेंगे, फिर नॉन कंजर्वेटिव का लिखेंगे. नॉन कंजर्वेटिव में बोलता हूं, लेकिन लिखेंगे बाद में. चलो, कैसा है समझो, अभी कैसा है? कैसा है? तो ये है सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है. कैसा 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 दिख रहा है अभी? ये सरफेस है. यहां से पेन इधर शिफ्ट करना है, तो मैं सीधा शिफ्ट कर सकता हूं, या फिर पेन में ऐसा इधर ले जाके ऐसा घुमा के शिफ्ट कर सकता हूँ, या फिर पेन को ऐसा पीछे से जाके ऐसा घुमा के शिफ्ट कर सकता हूँ. तो फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो फ्रिक्शन अगर प्रेजेंट है तो कौन सी केस में वर्क डन कम रहेगा? समझो, इधर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इस सरफेस के ऊपर से इधर लेके जाना है. अगर सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, अगर ऑब्जेक्ट को सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा. ये सरफेस है, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना? ये सरफेस है, उसके ऊपर ऑब्जेक्ट है, ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा. समझ रहे हैं ना? अगर ये ऐसा है, सामने से तुम लोग देखोगे तो ऐसा दिखेगा. सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट है, इधर लेके जाना है, तो ऑब्जेक्ट को इधर लेके जाना, ऊपर से हम लोग देखेंगे तो फिर ऐसा दिखेगा. ऑब्जेक्ट को इधर, तो सीधा लेके गया, नीचे से ऐसा घुमा के लेके गया, या फिर ऊपर से घुमा के लेके गया, तो ऐसा लेके गए फर्स्ट टाइम. नेक्स्ट टाइम ऐसा लेके गए, और थर्ड टाइम ऐसा. ये नंबर वन रास्ता है, नीचे का नंबर टू और ऊपर का नंबर थ्री. तो वर्क डन फ्रिक्शन अभी प्रेजेंट है, फ्रिक्शन अभी प्रेजेंट है. तो वर्क डन किस केस में?
मैक्सिमम है, नंबर वन नंबर टू रास्ता या फिर नंबर थ्री पाथ, बोलो वर्ग लेंथ। तुम लोगों को टेबल लेके जाना है, सिंपल क्या तुम लोग सोचो, टेबल लेके जाना है, यहां से वहां टेबल लेके जाना है। तो सीधा लेके जाओगे, इधर से घुमा के लेके जाओगे, या फिर इधर से बूस 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 करके कैसा कैसा करके घुमा के लेके आओगे। तो वर्क डन कौन सी केस में मैक्सिमम है, टेबल शिफ्ट करना है फ्लोर पे, फ्रिक्शन तो है, तुम लोगों को एकदम लॉजिकली समझ में आता है किधर वर्क ज्यादा होगा किधर वर्क कम होगा। बोलो कौन सी पाथ में वर्क डन मैक्सिमम है, चलो बोलो, सबका आंसर आना चाहिए, कौन सी कौन से रास्ते पे वर्क डन मैक्सिमम है। इधर टेबल है, सीधा लेके गया, ये फिर टेबल ऐसा घुमा के, या फिर इधर से पॉज 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 बहुत इधर उधर इधर उधर घुमा के वापस लाने का होता। तो थर्ड पाथ में वर्क जितना लंबा रास्ता फ्रिक्शन के लिए क्या होता है, फ्रिक्शन के लिए जितना लंबा रास्ता उतना मोर वर्क, जितना लंबा रास्ता है उतना वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। तो इस रास्ते पे वर्क ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि पूरे रास्ते पे फ्रिक्शन अपोज करता है, ये छोटा रास्ता है तो छोटे रास्ते पे फ्रिक्शन अपोज करता है, तो इधर वर्क डन छोटा है और नीचे से थोड़ा बड़ा है, इससे ये पाथ बड़ा है तो इधर से वर्क डन क्या है थोड़ा बड़ा, सबसे कम वर्क ज्यादा वर्क ज्यादा वर्क। और ये वर्क कंजर्व होता है क्या, ये जो वर्क है जो हमने किया है इस टेबल पे, टेबल ऐसा लेके इधर गया, टेबल इधर, तो इधर का टेबल अगर अगर इधर लेके गया, यहाँ पे एक टेबल है, टेबल ऐसा पुश करके मैं इधर लेके गया, तो टेबल का कुछ एनर्जी बढ़ता है क्या, टेबल के अंदर एनर्जी कंजर्व होता है क्या, तो टेबल के अंदर कुछ भी एनर्जी कंजर्व नहीं होता, तो इसलिए इसको बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव। तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, नॉन कंजर्वेटिव फ्रिक्शन विस्कस, जहां पर भी वेस्टेज होता है एनर्जी, जहां पर भी एनर्जी वेस्टेज होता है वही नॉन कंजर्वेटिव रहता है। तो फ्रिक्शन विस्कस है नॉन कंजर्वेटिव। इधर देखो पेन है, पेन को उठाया, एनर्जी फोकट गया क्या, हाँ मेरा एनर्जी कम हुआ, पेन को मैंने उठाया तो मेरा एनर्जी कम हुआ, लेकिन पेन के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, पेन का हाइट बढ़ गया ना, पेन को मैंने उठाया तो मेरा कम हो गया, पेन को मिला, जब भी मुझे चाहिए पेन से मिल सकता है, पेन को छोड़ा काइनेटिक के फॉर्म में देता है, समझा ना। तो ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में और मैग्नेटिज्म में हम जो भी वर्क करते हैं वो स्टोर होता है, फोकट में नहीं जाता, तो इसलिए इसको कंजर्वेटिव बोलते हैं। फ्रिक्शन में और विस्कोसिटी में जो भी हम लोग वर्क करते हैं वो कंजर्व नहीं होता, फोकट जाता है, तो इसलिए नॉन कंजर्वेटिव है। तो नॉन कंजर्वेटिव में वर्क डन क्या है, पाथ डिपेंडेंट, किस रास्ते से गए हैं उसके हिसाब से वर्क, यहां पे किस भी रास्ते से जाओ वर्क डन क्या है कॉन्स्टेंट है, ठीक है। चलो ये वाला पॉइंट क्या करेंगे, चलो लिखते जाएंगे, बाद में कंपेरेटिवली एक टेबल बनाएंगे नीचे लिखते जाएंगे। चलो इन नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, चलो लिखो नीचे, इन नॉन कंजर्वेटिव फील्ड, इन नॉन कंजर्वेटिव फील्ड वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ, चलो नेक्स्ट लाइन लिखो, इन नॉन कंजर्वेटिव फील्ड वर्क डन डिपेंड्स अपॉन पाथ, non-conservative field in non-conservative field work done depends upon path, an object is shifted, so नीचे लिखो, an object is shifted from position A to position B through different paths, an object is shifted from position A to position B on a table
an object is shifted from position A to position B on a table. Through different paths as shown in the figure. Then if friction is present, work done is minimum for path one and maximum for path three. Work done is minimum for path one and maximum for path three. ठीक है, चलो तो ये डायग्राम निकालो, एक बार रिवाइज करेंगे क्या क्या हुआ है आज और फिर बंद करेंगे. चलो एक बार डायग्राम निकालो, क्या क्या हुआ है रिवाइज करेंगे. इस एग्जाम में 2D चैप्टर रखेंगे, 2D के ऊपर एग्जाम नहीं हुआ ना, तो इस वीक में चलो हो गया, तो एक बार रिवाइज करेंगे फिर जाएंगे. तो देखो क्या क्या देखा है आज क्या क्या देखा है. फर्स्ट देखा है वर्क का डेफिनेशन, की जो नाइन्थ में हुआ था, एफ बार डॉट एस बार, एफ एस कॉस थीटा. अगर फोर्स कांस्टेंट है तो, अगर फोर्स वेरिएबल है तो क्या फॉर्मूला था वर्क का, इंटीग्रेशन एफ बार डॉट डी एस बार. ठीक है, देन पॉजिटिव वर्क मतलब थीटा कितना रहना चाहिए एफ और एस में. जीरो चलता है लेकिन 90 से कम चाहिए, जीरो से बड़ा, जीरो भी चलता है लेकिन 90 से पक्का कम चाहिए. तो वर्क डन इज पॉजिटिव. इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 90 एंड इक्वल टू और लेस देन 180 चलता है, 180 से छोटा भी चलता है, 90 से लेकिन पक्का बड़ा चाहिए, तो वर्क डन इज निगेटिव. अगर एंगल 90 है 270 है तो वर्क डन जीरो है. वर्क डन जीरो के लिए दूसरा कंडीशन क्या है, एक तो डिस्प्लेसमेंट जीरो चाहिए या फिर फोर्स जीरो चाहिए, या फिर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 या फिर 270 चाहिए. ठीक है, इतना. उसके बाद वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व के नीचे का ग्राफ रहता है वर्क का. फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो भी कर्व आता है उसके नीचे का जो ग्राफ रहता है वो रहता है वर्क का. उसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में हम लोग कैसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन एफ बार डॉट डी एस बार. इनिशियल डिस्प्लेसमेंट नीचे लिखने का, फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऊपर. तो उन दोनों के बीच का जो एरिया है वो वर्क डन होता है यहां से यहां ले जाने के लिए. देन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव. कंजर्वेटिव फील्ड में जो हम लोग वर्क करते हैं वो कंजर्व होता है, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड में हम लोग जो वर्क करते हैं वो वेस्ट होता है. तो फ्रिक्शन,
इधर का ऑब्जेक्ट इधर लेके गए तो जितना मैंने वर्क किया वेस्ट गया, इसको ऑब्जेक्ट को नहीं मिला ग्रेविटेशन में। इधर का ऑब्जेक्ट इधर उठाया तो मैंने जितना वर्क किया ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर है, जब चाहिए मैं यूज कर सकता हूँ। इसको छोड़ दिया तो एनर्जी यूज करता है, नीचे आता है। कंजर्वेटिव में वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, नॉन कंजर्वेटिव में वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। इतना ही हुआ है, इसके आगे का कल देखेंगे, ठीक है? चलो, कुछ डाउट है तो बोलो। आज के लिए इतना ही, बस कल के लेक्चर में देखेंगे। कुछ डाउट